हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन सभी प्लेयर्स की जो 99 पे आउट हुए हैं या फिर नॉट आउट रहे हैं आईपीएल में। तो सबसे पहले प्लेयर जो 99 पे आउट हुए थे वो थे विराट कोहली। विराट कोहली 10 मई 2013 को दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ एक मैच में 99 पे रन आउट हो गए थे और वो पहले प्लेयर बने 99 पे आईपीएल में आउट होने वाले। सेकेंड प्लेयर जो 99 पे आउट हुए थे वो थे पृथ्वी शॉ, और 2019 में ये मैच खेलते हुए केकेआर के खिलाफ वो आउट हुए थे। और 99 पे आउट होने के बाद फिर ये मैच सुपर ओवर में भी गया था, फिर सुपर ओवर में दिल्ली जीत गई थी और पृथ्वी शॉ ही मैन ऑफ द मैच थे उस मैच के। थर्ड प्लेयर जो 99 पे आउट हुए थे वो थे ईशान किशन। ईशान किशन 2020 में आरसीबी के खिलाफ एक मैच में 99 पे आउट हुए थे और वो मैच भी सुपर ओवर में गया था, लेकिन इस बार मुंबई हार गई थी और ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच भी नहीं मिला था। एबी डिविलियर्स थे उस मैच के मैन ऑफ द मैच। और फोर्थ प्लेयर जो 99 पे आउट हुए थे वो थे क्रिस गेल। क्रिस गेल 30 अक्टूबर 2020 को एक मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 99 पे आउट हुए थे। तो ये थे वो चार प्लेयर्स जो 99 पे आउट हुए हैं। बात करते हैं उन तीन प्लेयर्स की जो 99 पे नॉट आउट रहे हैं आईपीएल में। तो सबसे पहले प्लेयर जो 99 पे नॉट आउट रहे थे वो थे सुरेश रैना, और ये विराट कोहली के 99 पे आउट होने से पहले बस 2 दिन पहले की बात है, यानी 8 मई 2013 और एसआरएच के खिलाफ खेलते हुए मैच में वो 99 पे नॉट आउट रहे थे। और सेकंड प्लेयर है इस लिस्ट में क्रिस गेल, और क्रिस गेल इकलौते प्लेयर भी आईपीएल हिस्ट्री के जिन्होंने 2 बार 99 का स्कोर बनाया है। एक बार वो आउट हुए थे और एक बार नॉट आउट रहे। इस बार वो नॉट आउट रहे थे 13 अप्रैल 2019 को, एक मैच था आरसीबी के खिलाफ किंग्स इलेवन पंजाब का, और इसमें 99 पे नॉट आउट रहे थे क्रिस गेल। और मोस्ट रिसेंट प्लेयर जो 99 पे नॉट आउट रहे थे वो थे मयंक अग्रवाल। 2 मई 2021 का मैच था केएक्सआईपी वर्सेस डीसी, और 99 पे नॉट आउट रहे थे मयंक अग्रवाल इसमें, और के पंजाब हार भी गई थी इस मैच में। तो ये थी लिस्ट उन प्लेयर्स की जो आज तक 99 पे आउट हुए या फिर नॉट आउट रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्रिकेट से जुड़ी हुई और भी वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।